हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड। जेएल प्रयोजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सुयश प्रभाकर, यहाँ पे पीजीटी के लिए जो इकोनॉमिक्स क्लासेस है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रयोजन क्लासेस में जो जेएसएससी के द्वारा पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर जितने सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस शुरू हुए हैं उन सभी चीज़ों क्लासेस के लिए ये प्रयोजन क्लासेस यहाँ पे क्लासेस हो रही है। आप सभी से अनुरोध है, आपको जो भी अपने आपको ये जेएसएससी में पीजीटी में जो भी अपेयर होना चाहते हैं वो सभी प्रयोजन क्लासेस में को ज्वाइन करें और अपने तैयारी को पूर्ण रूप दें। प्रयोजन क्लासेस ने जितने भी तरह के ये 11 सब्जेक्ट्स के लिए हैं, सभी क्लासेस के लिए सबके लिए बेस्ट फैकल्टी को हायर किया है इन्होंने और ये अपने डायरेक्शन में अच्छी तरह से अग्रसर हैं। जेएसएससी का जो हम लोग जान रहे हैं, पहले ही एक नोटिफिकेशन आ चुका है पीजीटी के लिए, लगभग 3000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए आया हुआ है इस बार और ये 2017 के बाद आया हुआ है पोस्ट जितना भी है। तो ये सब्जेक्ट्स जो भी हैं, इसमें बहुत सब्जेक्ट्स के नहीं हैं जिनके अभी मांग हो रही है और भी बहुत सब्जेक्ट्स की, तो वो उम्मीद है कि जेएसएससी उन सभी सब्जेक्ट्स को ऐड करेगा। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग यहाँ पे दो फैकल्टी हैं जो इस आपको तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मैं सुयश प्रभाकर और एक हैं विशाल अग्रवाल सर, हम लोग दोनों मिलके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भी ये रूप में आपको मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आप सभी हम लोग से जुड़िए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और ये जो जेएसएससी का आया है इसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये आप किसी भी हाल में आपको अचीव करना है। इस बार किसी भी हाल में ये आपको एक सीट अपना कंफर्म करना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही पता होगा झारखंड सरकार जो नियम लाई है उसके अनुसार अब ये हाई स्कूल के लिए जो भी टीचर होंगे, मिडिल स्कूल के लिए जो भी होंगे या प्राइमरी स्कूल के लिए, उनका ग्रेड पे बहुत कम कर दिया गया है। तो आपका जो भी है इसी में आपको अचीव करना है, इसी में आपको एक सीट अपना मुकर्रर करना है। चलिए तो हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने पहले ही सिलेबस को डिस्कस कर चुका हुआ है, आप उसमें हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे आज बैंकिंग सिस्टम पे बात करेंगे, बैंकिंग सिस्टम का क्या इनिशिएटिव था झारखंड में, इंडिया में। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम आज थोड़ा सा है, माइनर है, ये बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज आरबीआई के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल बैंकिंग के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और जो बैंकिंग सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हुए उसके बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि 2017 में पीजीटी में आ चुके हैं, वो आरबीआई से, बैंकिंग सिस्टम से, आरबीआई से सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने यहाँ स्लाइड में ऐड किया हुआ है। हम लोग उस सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। यूपी पीजीटी और दिल्ली का जो पीजीटी होता है उसमें भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से जो जुड़े हुए हैं उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। उससे भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। ये एक स्टार्टिंग क्लासेस है जिसके बारे में बेसिक आइडिया लग सके कि हम लोगों ने कितनी अच्छी तरह से स्लाइड तैयार कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के पास कंटेंट मुहैया करा रहे हैं इस सब चीज़ों के लिए। और हम सभी का प्रयास रहेगा कि आपके पास मैक्सिमम जो है आपके पास उपयोगिता हो सके, आपके समय की उपयोगिता हो सके, ज़्यादा लंबी क्लासेस न लेकर के शॉर्ट टाइम्स में आप लोगों को किस तरह आपको जो मैक्सिमम समझाया जा सके और आपका क्वेश्चंस न छूटे, इस बारे में हम लोग का विशेष जो है फोकस रहेगा। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के बारे में स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल बैंक से। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट्रल बैंकिंग ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम्स जो है सबसे पहले कहाँ आए हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे और जो सेंट्रल बैंक के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लोग तो इसके ये होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ये हर जो है स्टेट्स के मतलब होगा यहाँ पर कि हर कंट्री का अलग अलग होता है, उनका अलग नाम है। जैसे अमेरिका का है फेडरल रिजर्व सिस्टम, जो है चाइना का है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है उसे बोला जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो हर कंट्री का डिफरेंट होता है। जैसे लंदन का ये इंग्लैंड का बोलेंगे तो उसमें है स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये है। तो हम आगे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए सेंट्रल बैंक, तो हमने इसका डेफिनेशन दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज द अफेक्ट्स बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री।
इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो दो पॉलिसीज होते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिस में बात करें, एक फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी होती है जो फिनेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ फिनेंस है, किसी गवर्नमेंट के फिनेंस, वो जो है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। जबकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो RBI के द्वारा की जाती है। जैसे ये आ जाता है आपका फिजिकल पॉलिसी में आ जाता है टैक्सेशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स क्या है उसके बारे में बात की जाती है, टैरिफ्स के बारे में बात की जाती है, कोटास के बारे में, वो आ जाता है फिजिकल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में बात हो जाती है रिजर्व बैंक की क्या भूमिका होती है किसी कंट्री के प्रस्पेक्टिव में, और किसी कंट्री के क्या एडवांटेज हो सकते हैं इस, जैसे ये इसके बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अपेक्स बैंक बोला जाता है, मतलब हाईएस्ट बैंक, किसी भी कंट्री का जो हाईएस्ट बैंक होता है गवर्नमेंट का, वो होता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, बट वो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो हम पहली बैंक की बात करेंगे तो रिस्क बैंक इज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक, जो स्वीडन में आया था 1668 में आया था 1668 में स्वीडन में आया था रिस्क बैंक, जो कि पहला जो होता है सेंट्रल बैंक था, जो स्वीडन है वो पहला सेंट्रल बैंक लाया था। ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट जो है सेंट्रल बैंक कौन लाया था, तो ये स्वीडन के द्वारा लाया गया था 1668 में। इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे MCQs में करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या है। और हम जब इंडिया में सेंट्रल बैंकिंग की बात करते हैं तो इंडिया में RBI आया, जो कि हम लोगों को, आप लोगों को बहुत को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। हम समझते हैं कि जो PGT इकोनॉमिक्स है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट है सारे इकोनॉमिक्स में, तो आपको तो पता होगा कि रिजर्व बैंक कब आया। रिजर्व बैंक 1935 में आया था इंडिया में, और इसके लिए एक्ट पास हुआ था 1934 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है। ये रिकमेंडेशंस पे आया था, हर किसी बैंकिंग सिस्टम के रिकमेंडेशंस होते हैं, कोई भी बड़े इफेक्टिव स्टेप्स के लिए कोई भी ये रिकमेंडेस किए जाते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन था हिल्टन यंग कमीशंस का, जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत महसूस की थी इंडिया में, और ये कॉलोनाइजेशन पीरियड यानी ब्रिटिश एरा का बात है, जिसमें ये रिकमेंड हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, जो फर्स्ट ये है सेंट्रल बैंक हुआ एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 को, और ये जो है RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में। एक्ट के बाद एस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पे ये रिजर्व बैंक का। रिजर्व, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि जो रिजर्व बैंक जब आया था 1935 में, तो इस समय इंडिया के वायसराय कौन हुआ करते थे, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा था ये, तो इसमें वायसराय आए थे। तो विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन जो थे उस समय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विलिंगटन थे जो उस समय वायसराय हुआ करते थे इंडिया के, जो उसके टाइम पे इन्होंने आया हुआ था। और जो फर्स्ट जो RBI के गवर्नर होते थे हैं उसके, जो इंडिया के थे ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे, वो फर्स्ट इंडिया के जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। जो ये शुरू में प्राइवेटली था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में 1949 में इसे नेशनलाइज्ड किया गया, और जब नेशनलाइज किया गया तो इनके, उसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। CD देशमुख जो कि बाद में जा करके 51 से 56 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। आगे बात करते हैं हम इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे हम एक चीज़ बताना भूल गए हैं, जो सेंट्रल बैंक वाज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो आया तो ब्रिटिश जो पीरियड था उसमें सबसे जो मेन पॉइंट था, एरिया था उनका फोकस का, वो था वेस्ट बंगाल। तो जो फर्स्ट आया था वो आया था यहाँ, एस्टेब्लिश्ड हुआ था कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, और अभी भी हेड जो ब्रांच है RBI का वो मुंबई में शिफ्टेड है। बैंकिंग सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, अगर हम RBI की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कैसे बैंकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग हुआ, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में कैसे आया और इसके बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। जो यहाँ जो है हम देखेंगे कि 1809 में, सबसे पहले 1809 में ही इंडिया में आ चुका था बैंक ऑफ बंगाल,
ब्रिटिश एरा में ही आ चुका था। सेकेंड आया था बैंक ऑफ बॉम्बे 1940 में आया। थर्ड आया बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये सब इंडिया में आ चुके थे जब ये अपने काम से कर ही रहे थे, अपने फंक्शनल थे, लेकिन फिर जब ये इन्हें 1949 में सबको इनको मर्ज कर दिया गया और इन्हें बना दिया गया इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया 1949 में इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक बनाया गया, लेकिन फिर 1955 में सबको ये SBI बना दिया गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया 1955 में और बना दिया गया 1955 में SBI। SBI का पिछले रिलेटेड एक PGT में क्वेश्चंस था कि सबसे ज़्यादा किस बैंक के ब्रांचेज हैं इंडिया में, तो उसका जो है SBI आंसर है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज फोकस्ड हमारा मेन है RBI के बारे में, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों को। इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट फेज में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था इंडिया में, सेकेंड फेज में कितने, अगले बार आ सकता है कि सेकेंड फेज में कितने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया है। तो जो 1969 का पीरियड हम जब देखेंगे, जब इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी और उसके बाद इलेक्शन आने वाले थे, उनका कोई मेजर वर्क नहीं हो पाया था। तो उन्होंने दो काम किया था इस दौरान, जो 1969 के दौरान जो दो काम किया था, वो किया था, एक तो काम था जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969 में, फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक, ये फर्स्ट फेज था। और दूसरा काम किया था उन्होंने प्रीवी प्रोसेस को एंड किया था। अब आप यहाँ पे चाहेंगे कि प्रीवी प्रोसेस क्या है, तो चूंकि हम इकोनॉमिक्स के हैं तो हमें इकोनॉमिक के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस 576 रियासतें थी इंडिया में, जो जिनको सरदार पटेल ने इंडिया के साथ मर्ज करवाया था। तो उन सब के मर्ज करने के साथ उन लोगों के साथ एक अमाउंट फिक्स किया गया था हर रियासत के बारे में, जो जितनी बड़ी रियासत थी उसे उतने अमाउंट दिया गया था। जैसे कि जो बड़ौदा रियासत हो गई है, ग्वालियर रियासत, ये रियासतें बड़ी थी, इन्हें एक ज़्यादा अमाउंट दिया जाता था, छोटी रियासतें थी उन्हें छोटा अमाउंट दिया जाता था। तो टोटल 576 रियासतें थी जिन्हें एक अमाउंट दिया जाता था। तो ये हर सालाना दिया जाता था, इससे इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा था। इस चीज़ को 1969 में ख़त्म किया गया, जिसको बोला जाता है एंडिंग ऑफ प्रीवी पर्सेस। इसको प्रीवी पर्सेस सेकेंड चीज़ जो बोला जाता था उस दौरान, एंडिंग ऑफ प्रीवी प्रोसेस, इस चीज़ को ख़त्म किया गया ताकि एक, अब जब हम उस दौर का समझेंगे तो 1962 में चाइना के साथ वार हुआ था, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होते जा रही थी। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उस समय और इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई। इसके चलते जो प्लान पीरियड था, आप अगर प्लान पीरियड को याद कर पाएँ तो 51 से 56, 56 से 61 और 61 से फिर 66 थे। उसके बाद जो 3 साल का हॉलीडे था, 1 ईयर का प्लान हॉलीडे, एक एक ईयर का 67 से 68 से 69, एक एक ईयर का प्लान पीरियड बनाया गया था। उस वो दौर इसलिए था क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत देश के ख़राब थे। तो दो चीज़ें जो थी मास्टर स्ट्रोक थी इंदिरा गांधी की, जो 1969 में थी, वो थी एक फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और जो सेकंड थी एंडिंग ऑफ प्रीवी पर्सेस। जो इन चीज़ों से, जो फर्स्ट चीज़ हुआ फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स से, मैक्सिमम लोगों के पास जो है बैंकिंग की पहुंच हुई, नेशनलाइज हो गया, वो अब गवर्नमेंट बैंक हो गए, मैक्सिमम लोगों के पहुंच हुई। और सेकेंड में प्रीवी प्रोसेस से ख़त्म हो जाने से जो इकोनॉमिक के जो पैसे थे वो जो रजवाड़ों को जा रहे थे वो अब पब्लिक यूज़ के लिए आने लगे। सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था यहाँ पे 1980 में, इसमें 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। अब हम इसके बारे में आगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन वो आज की क्लासेस में नहीं जानेंगे, हम आगे क्लासेस में जानेंगे। आज हमारा फोकस मेन RBI है। और फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई के बारे में बात करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का क्या है स्ट्रक्चर्स। इसमें टोटल 21 मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसका जो है एक हायरार्की है कि क्या कौन से एक गवर्नर होते हैं और चार डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। पिछली बार तो ये जो 17 वाले आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा उसमें पीजीटी जो है उसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया था कि अभी 2018 फेब में कौन है आरबीआई के गवर्नर, उस समय उर्जित पटेल थे तो वो था, अभी के अनुसार अभी पूछ सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में स्ट्रक्चर्स के बारे में सारी चीज़ बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स इसमें कौन कौन से होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स 5 लोग होते हैं यहाँ पे, उसमें एक गवर्नर आ जाते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स आ जाते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स में आ जाते हैं 2 ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये ऑफिशियल्स जनरली ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो काफ़ी दिनों से काम कर रहे होते हैं। एंड 4 डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाई द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स। इसके बारे में बात करेंगे तो हम लोकल बोर्ड्स आरबीआई के 4 हैं, एक है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता एंड चेन्नई। लोकल बोर्ड्स 4 हैं, उन चारों बोर्ड्स के एक एक से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि इस फील्ड में आते हैं। एंड 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स नॉमिनेटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 10 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अच्छे करने वाले लोग भी हो सकते हैं, या फिर जो जैसे कि आनंद महिंद्रा भी इनमें से नॉमिनेटेड में से एक हैं, तो बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर्स भी इस चीज़ में आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस चीज़ के लिए। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है, शक्तिकांत दास हैं ये। ये शक्तिकांत दास हैं जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, ये दिसंबर 2018 से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 25th गवर्नर हैं ये। इनके बारे में 25th के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कब हुए हैं। नॉमिनेटेड है 2018 में 11 दिसंबर से, तो अगर ये बात आ सकती है कि कब इन्होंने अपॉइंट किया है तो इसके बारे में 11/12/18 के रूप में आप याद कर सकते हैं। 11 जो डेट है, 12वां महीना है और 2018 में इन्हें अपॉइंट किया गया है। 4 डिप्टी गवर्नर्स के बारे में बात हुआ है, तो 4 जो डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हमारे 4 यहाँ पे हैं, ये बात हो जा रही है। श्री फर्स्ट जो डिप्टी गवर्नर श्री टी रवि शंकर, सेकंड है श्री एम राजेश्वर राव, थर्ड है डॉक्टर एम डी पात्रा एंड फोर्थ है श्री एम के जैन। ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं जो अभी के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगले स्लाइड में हम आते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत बड़े वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम जानते जाएंगे धीरे धीरे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। तो जो ये किसी भी गवर्नमेंट का जो करेंसी नोट्स इशू होता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर कंट्री का रिजर्व बैंक उस कंट्री का जो है नोट इशू करता है। जैसे आरबीआई हो गया इंडिया का करंट जो है नोट इशू करता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो नोट इशू करता है, नोट में जो आता है आरबीआई गवर्नर्स का साइन होता है हर नोट्स में, सिर्फ एक नोट को छोड़ करके जो होता है सारे नोट्स में आरबीआई गवर्नर्स का साइन होता है, एक नोट होता है। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि किस कौन से नोट में जो है आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है। अगर हम बात करेंगे तो 1 रुपए के नोट में
₹10 के नोट में, ₹50 के नोट में या फिर ₹100 के नोट्स में, किसमें गवर्नर का साइन नहीं होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो ₹1 का नोट जो होता है इसमें RBI गवर्नर का साइन नहीं होता है, इसमें साइन होता है फिनांस सेक्रेटरी का। ₹1 के नोट्स में फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, बाकी सारे जो नोट्स होते हैं उसमें RBI गवर्नर्स का साइन होता है। अब जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ करेंसी नोट्स, तो करेंसी नोट्स के इशू करने का कितना करेंसी नोट्स सब इशू कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके लिए नियम थे 1956 में ये नियम ये हुआ है, चेंज हुआ है। और पहले जो नियम था उसके अनुसार था, ये प्रोपोर्शनल करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, प्रोपोर्शनल कर इशू ऑफ करेंसी था, उसके अनुसार 40% जो था आपका एक नियम था कि आप जितने पर आपके पास रिजर्व है, आपके पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी का जो भी रिजर्व है उसके आप उस वो रिजर्व 40% है उसके 100% आप जो है करेंसी इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 2.5 गुना आपके पास अगर रिजर्व है 1,000 करोड़ का फॉरेन करेंसी का एंड गोल्ड का, तो आप 2,500 करोड़ का नोट इशू कर सकते हैं, जिसको ख़त्म कर दिया गया 1956 में। अब जो नया आया है उसके अनुसार आप एक मिनिमम जो है रिजर्व रख दिया जाता है, क्योंकि करेंसीज की जब डेवलपमेंट इकोनॉमीज की हुई और पॉपुलेशन बढ़ा तो करेंसीज की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी, तो उसके के लिए जो है न्यू सिस्टम लाया गया 1956 में। तब जो है सिस्टम ये आया कि अब एक मिनिमम अमाउंट जो है किसी भी करेंसी का जो फॉरेन रिजर्व है या गोल्ड है या फिर जो करेंसीज आउटडेटेड हो जा रहे हैं, जो फट जा रहे हैं, उसका एक अमाउंट रिजर्व रख दिया जा रहा है एंड देन उसका जो है उसका न्यू उसके अनुसार हम लोग करेंसी को छाप रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, सेकेंड आ जाता है बैंकर फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये बहुत है कि बैंकर किस टाइप से है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये बैंकर है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे RBI के द्वारा किया जाते हैं। जो उन आप एक बार कंट्रोवर्सी याद होगा 2019 में जब शक्तिकांत दास अपॉइंट हुए थे और उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फंड से RBI के फंड से दे दिया था, चूँकि उसमें तो कुछ 1,25,000 तो गवर्नमेंट की सरप्लस थी, लेकिन कुछ फंड गवर्नमेंट जो RBI के अपने फंड से उन्होंने दिया था इसके बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो गवर्नमेंट को किसी भी टाइम पे अगर नीड होती है तो वो ये RBI उन्हें फंड मुहैया करवाता है, वो गवर्नमेंट का ही बैंक है जो कि हर किसी ट्रांजेक्शन में RBI के द्वारा काम किया जाता है। फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, फिजिकल एजेंट भी है एंड एडवाइज़र भी है। एडवाइज़र इस टर्म्स में है क्योंकि बहुत से मॉनेटरी पॉलिसीज तो अपने तरफ से रेगुलेट करता है, लेकिन जो फिजिकल पॉलिसीज भी है जो कि इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, उनके लिए भी जो है RBI उनको रेगुलेट करता है, उन्हें बताता है कि क्या चीज़ें सही हैं, किस टाइप से टैरिफ रेट्स को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कैसे कम करना चाहिए ताकि मैक्सिमम इकोनॉमी में उसकी ग्रोथ हो सके, उसका एडवांटेज आ सके। थर्ड वर्ड है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। सही बात है, कॉमर्शियल बैंक्स को जो रेगुलेट करता है, हमने पहले ही सिखाया है कि अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है RBI, तो जो कॉमर्शियल बैंक्स को ये कस्टोडियन के टाइप से भी काम करता है कॉमर्शियल बैंक्स में। कॉमर्शियल बैंक्स के लिए जैसे अगर कोई एक फिक्स्ड रिजर्व कॉमर्शियल बैंक्स को जो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्रीज उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है, वो कस्टोडियन के रूप में काम करता है। अगर शॉर्ट ऑफ शॉर्टेज होती है उन्हें फंड की वो उन्हें पहुंचाता है किसी टाइम पे। अगर जैसे MSF की बात करेंगे मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है सर, तो उस टाइम पे भी उन्हें ओवरनाइट फंड मुहैया करवाता है कॉमर्शियल बैंक के बारे में। उन्हें दो टाइप से, एक अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट के रूप में, एक कॉमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट के फिक्स डिपॉजिट के 2% कम से कम ये सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है, और जो अपना उसका डिमांड डिपॉजिट है उसका मिनिमम 5% उन्हें ये अपने रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ता है, जो उन्हें किसी इमरजेंसी के टाइम पे सेटलमेंट्स के टाइम पे रिजर्व बैंक अपने यूज कर सकती है। ये कैश रिजर्व रेशियो के अलावा होता है कैश रिजर्व, इन सभी चीज़ों को हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, टूल्स के बारे में। कस्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है किसी भी कंट्रीज़ का, उसके लिए कस्टडी एंड मैनेजमेंट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। गोल्ड के रूप में रिजर्व्स रखता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के रूप में रिजर्व रखता है। जो करंट अभी जो बात करते हैं तो 580 बिलियन डॉलर्स के लगभग इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। ये 2014 के आसपास में बहुत कम हो चुका था, 250 मिलियन डॉलर्स के लगभग हो चुका था। तो पिछले 7-8 सालों में आरबीआई ने इसमें, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अचीवमेंट किया है और ये जो है 580 बिलियन का भी रिजर्व हो चुका है, ताकि ये रिजर्व्स के अनुसार ही करेंसी रोज अपना प्रिंट करता है। तो ये चीज़ बहुत चीज़ें हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट ये बोला जाता है कि जब इमरजेंसी के टाइम पे भी ये कमर्शियल बैंक्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर चीज़ का, जब फाइनेंशियल रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स में जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री के, तो वो उसके हर चीज़ में लास्ट स्टेज यही है, आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई उन्हें फ़ंड मुहैया करवाएगा अगर सर्टेन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे करवाएगा, कि कभी जब इमरजेंसी है तो कम सिक्योरिटीज़ पे भी मुहैया करवाता है, ताकि वो बेहतर रूप से काम करें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमएसएफ की बात करते हैं। एमएसएफ होता है जैसे रेपो रेट होता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं ताकि आप लोग बेहतर समझ सकें। हम पीछे से फिर से वापस आएंगे ताकि आपको इसके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है जो गवर्नमेंट के किसी भी कॉमर्शियल बैंक को वो ओवरनाइट ज़रूरत पड़ती है, तो वो ओवरनाइट फंड मुहैया करवाता है, लेकिन अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज़ उन्हें, ये कॉमर्शियल बैंक्स को, ये आरबीआई गवर्नमेंट, लेकिन जो कि ओवरनाइट करवाता है, इसलिए उनकी जो सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सर्टेन हाई होती है रेपो रेट की। सिक्स्थ बात करेंगे क्लियरिंग हाउस ऑफ ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट्स। किसी भी कॉमर्शियल, दो कॉमर्शियल बैंक्स आपस में लड़ जाते हैं अगर आप किसी बात को, किसी की डिस्प्यूट को लेकर के, तो उनके बीच में जो सेटलमेंट्स होता है, ट्रांसफर्स होता है, चेक्स का, उन सभी चीज़ों के लिए आरबीआई बेटर यहाँ पे ऑप्शन होता है। जो क्लियरिंग इसके लिए काम करता है कि जो हमने पहले ही बताया कि 5% जो होता है अपना उसमें हर कॉमर्शियल बैंक्स को देना पड़ता है, मिनिमम 5% एंड 2% जो होता है ये 5% डिमांड डिपॉजिट से होता है और 2% जो होता है ये फाइनल डिपॉजिट से होता है, जिसके जो उस रिजर्व होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो रिजर्व्स अपने अनुसार यूज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ज़रूरत के अनुसार। जब अगर सेटलमेंट्स की बात हो रही है, कोई अगर एक बैंक दूसरे को नहीं दे पा रहा है अपने जो कर्जेज लिए हुए हैं, तो उस चीज़ को वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है। अगला बात आ रहा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद इसके डिफरेंट टूल्स भी हैं। कंट्रोलर्स ऑफ क्रेडिट कैसे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए डिफरेंट टूल हैं। क्रेडिट कैसे कंट्रोल करता है, किसी गवर्नमेंट में जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जब रिसेशन आ रहा है तो रिसेशन को कैसे इंप्रूव करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ टूल्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टूल्स क्या क्या है क्रेडिट कंट्रोल का। सबसे पहले यहाँ पे बात हो जाती है रिजर्व रेशियोज़ की। सबसे एक क्रेडिट कंट्रोल अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे इकोनॉमी में हम बात करेंगे इसके लिए किस लिए क्रेडिट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, इकोनॉमी में किसी भी अर्थव्यवस्था में हिंदी में बात करें तो क्यों ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कंट्रोल की। जो इन्फ्लेशन में दो तरह के इन्फ्लेशन जो होते हैं इकोनॉमी में, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड प्लस इन्फ्लेशन तब होता है जब किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, इसकी वजह से लोग हायर पैसा किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी गुड के लिए, किसी वस्तु के लिए देने लगते हैं, तो वहाँ पे डिमांड प्लस इन्फ्लेशन हो जाता है। कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन हो जाता है जब इकोनॉमी में पैसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। पैसे की मात्रा ज़्यादा होने का रीज़न है कि जब आरबीआई जो है एक लिमिट से ज़्यादा मनी जो है सब प्रिंट कर रहा है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा आ जाती है। जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ज़्यादा हो, तो इससे ज़्यादा पब्लिक वर्क्स ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा ये पैसों की मात्रा हो जाती है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है टूल्स आरबीआई यूज करता है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिफरेंट टाइप्स का टूल्स यूज करता है, जिससे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और वाइस वर्सा इसके उलट में किस तरह से डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और इकोनॉमी को स्टेबिलिटी में लाया जा सके, किस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्सिमाइज किया जा सके, इन सभी बातों के लिए हम आगे बात करते हैं। रिजर्व रेशियोज़ की बात की जाती है। फर्स्ट आ जाता है करेंसी रिजर्व रेशियो।
जो है करंट में ये 4% है, आरबीआई ने इसे न्यू रेगुलेट किया है अभी कुछ दिन पहले ही है, जो है करेंसी रिजर्व रेशियो हर कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टेन अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक है जो है आरबीआई उसके साथ रिजर्व रखना पड़ता है। ये रिजर्व रखने से होता क्या है कि वो कस्टोडियन के रूप में काम करता है रिजर्व बैंक, जो इसको ये बोलते हैं करेंसी रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में इसे CRR बोलते हैं। इसे हर बार 3 महीने में आरबीआई चेंज करते रहता है। और एक आता है इसके बारे में, इसके जो पहले जो था ये चीज़ था 3% से 20% तक हो सकता था मिनिमम, इसको करेंसी को 3% और मैक्सिमम 20% रखा जा सकता था, लेकिन उसमें जो है हाल फिलहाल में अब उसको चेंज कर दिया गया, ये वाला जो है अपर एंड लोअर लिमिट्स को अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ये किसी तरह की अपर एंड लोअर लिमिट्स नहीं होगा, अब ये है करेंसी, ये आरबीआई अपने अनुसार चेंज करेगा। तो पिछले बार कुछ कोविड के वजह से जो है ये CRR वजह में इस सब में चेंज आया है, अब 4% इस सब में कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि करेंसी रिजर्व रेशियो का यूज क्या है, कैसे किया जाता है, कैसे ये इफेक्टिव होता है, तो अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए इकोनॉमी में बात करेंगे, इकोनॉमी में अगर करेंसी ज़्यादा आ गया है उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे, और चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे उसके लिए भागम भाग होगा, और उसके चलते इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की बात हो जाती है। जब करेंसी इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लोटेशन करने लगती है, यानी पैसों की मात्रा जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस दौरान जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में आ जाती है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर 4% है ये चीज़ है, तो करेंसी जो है एक 4% गवर्नमेंट को आप कमर्शियल बैंक को अपने साथ रिजर्व रखना पड़ता है। ये अपने साथ भी रख सकते हैं या आरबीआई के साथ भी रिजर्व रख सकते हैं, इसके लिए कुछ ये नहीं है। तो वो अगर हम इसको 4 से 5% कर दें, ठीक है, तो चूंकि हम पहले 4% थे, 100 का 4% जो था वो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व था, अब उसे 5% कर दे रहे हैं, अब कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे जो है रिजर्व रह जा रहे हैं, इसके वजह से अब जो इकोनॉमी में है पैसे कम जाएंगे, इकोनॉमी में पैसे कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ जो मनी हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगा तो लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह इसका जस्ट अपोजिट होगा डिफ्लेशन में या फिर रिसेशन में कहें। अगर रिसेशन आ गया है मतलब क्या है कि इकोनॉमी में पैसे की कम मात्रा कम है, लोग कम खरीद पा रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को जो पहले 4% है अब इसको हम कर देते हैं 3% आ जाता है, तो मार्केट में अब कमर्शियल बैंक है जो ज़्यादा पैसे भेज सकता है, ज़्यादा पैसे भेजेगा उससे क्या होगा, मार्केट में पैसे जाएंगे और लोगों के पास पैसे आएंगे तो उन लोगों की खरीदारी करेंगे, ऐसे इकोनॉमी एक सर्कुलर फ्लो में बहने लगेगा और फिर मार्केट से डिफ्लेशन ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाता है करेंसी रिजर्व रेशियो, ये अभी है 4% है, आपने हम लोगों ने बता दिया है कि जो पहले लिमिट था ये अब ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे SLR पे, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है गोल्ड कैश एंड सिक्योरिटीज, ये एक गोल्ड कैश एंड सिक्योरिटीज़ के रूप में गवर्नमेंट के पास जो है कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, ये उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है वॉलेटाइल किसी के टाइम पे रिजर्व की ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए किया जाता है सब चीज़, CRR एंड SLR दोनों के बारे में बात होती है। तो SLR के लिए जो है ये गोल्ड के रूप में हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, या सिक्योरिटीज़ के रूप में हो सकता है। इसके लिए भी सेम कंसेप्ट आता है कि जैसे इस चीज़ को जब यहाँ पे आ जाती है इन्फ्लेशन आती है तो इस चीज़ को बढ़ा दिया जाता है, अभी जो है SLR 18% है, 18% को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी में कम जाएगा ये पैसे और इस वजह से हमारा जो है इन्फ्लेशन कम होगा। इसके बारे में बात किया जाता है, इससे पहले पिछली बार जो PGT आया है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट SLR का क्या है, अपर लिमिट है 40%, ये पहले था, अभी जो है लोअर लिमिट्स, अब पहले था 40 से 23 था, अभी लोअर लिमिट्स को ख़त्म कर दिया गया है, अपर लिमिट्स अभी भी है वो 40% है। तो हो सके अगली बार फिर से क्वेश्चन आ जाए कि पहले बार कितना था अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स क्या था, इसके बारे में बात आती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था पिछली बार कि अपर लिमिट्स SLR के इंडिया में क्या है, वो है 40%। सेकेंड बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर फर्स्ट ये टर्म्स आ गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड आएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस क्या होता है जिसके द्वारा RBI यूज़ करता है, ये होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है सेंट्रल ये RBI के पास होते हैं उन्हें सेल एंड परचेज करता है गवर्नमेंट। ये सेल एंड परचेज करने का रीज़न क्या है, इसके बारे में क्यों यू किया जाता है, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जब इकोनॉमी में
इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इकोनॉमी में पैसों की मात्रा अधिक हो जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचता है, सिक्योरिटीज़ बेचने के बदले में पैसे वापस अपने पास रखता है, तो जो इकोनॉमी में पैसे बढ़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो इकोनॉमी सिक्योरिटीज़ बेच दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अब पब्लिक के पास चल गया और जो पैसे हैं वो आ गए गवर्नमेंट के पास यानी RBI के पास। इससे क्या होगा, सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है इन लालच दे करके कि इन फ्यूचर इसके डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, इन सारी बातों पर हम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटीज़ क्या हो रही है, अगर हम इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में मान लीजिए हमारा इन्फ्लेशन है, अगर हम गवर्नमेंट का परचेज कर लेते हैं सिक्योरिटीज़ को, परचेज करने से क्या हो जाएगा, परचेज करने से गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी में जो है पैसे फ्लोट कर रहे हैं वो अब आ जाएंगे पब्लिक के पास नहीं रहेंगे, अब आ जाएंगे RBI के पास, पैसे कम हो जाएंगे वहाँ, लोग कम खरीदारी करेंगे और कम खरीदारी करेंगे इन्फ्लेशन रुक जाएगा। उसके जस्ट उल्टा होता है डिफ्लेशन में, या फिर रिफ्लेशन में बात करते हैं, डिफ्लेशन या रिसेशन में बात होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कि जब एक इकोनॉमी में रिसेशन हो तो गवर्नमेंट जो होता है उस समय, यहाँ पे तो खरीद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच रहा था उस समय खरीदता है, जो पब्लिक के पास पहले से सिक्योरिटीज़ है उनको अपने पास खरीद लेता है, और ख़रीदता है तो क्या होता है, उन्हें पैसा देता है, वो मनी मार्केट में जाएगा और इससे क्या है कि रिसेशन ख़त्म होगा और लोगों के पास मैक्सिमम अपने पास पैसे पहुंचेंगे, वो उन लोगों की चीज़ की खरीदारी करेंगे और फिर डिफ्लेशन या फिर रिसेशन ख़त्म होगा। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये इससे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसके बारे में हम लोग आगे लास्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है जिसमें 6 क्वेश्चन जो थे पिछले बार PGT में 2017 में आए थे, जिसको हम लोगों ने चूज करके एक एक को साइज में ला के रखा है, और 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लाया है दिल्ली का जो PGT इकोनॉमिक्स का जो होता है उससे हमने 4 क्वेश्चन उठाया है जिसके बारे में हम लोग सब यहाँ पर बात करते हैं। आगे थर्ड पॉइंट आ जाता है बैंक रेट पॉलिसीज, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है बैंक रेट पॉलिसीज, यहाँ बैंक चेंज कर लेते हैं, बैंक रेट पॉलिसीज के बारे में बात होगी यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट्स में हो जाती है। फर्स्ट आते हैं बैंक रेट, यहाँ पे हमने डिफिनेशन दिया है लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू द कॉमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन्हें अपने काम करने के लिए जो होती है, जब शॉर्टेज ऑफ फंड होते हैं या अपने काम करने के लिए उन्हें फ़ंड की आवश्यकता होती है, तो वो जो फंड्स होते हैं वो RBI से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जिसको हम बैंक रेट कहते हैं, और वो जो बैंक लेते हैं बैंक रेट बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ये सर्टेन अमाउंट पे लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोई सिक्योरिटीज है उनके पास उसे जमा करते हैं वो RBI के पास और उनसे वो लोन लेते हैं, इसे बोला जाता है बैंक रेट, लॉन्ग टर्म्स के लिए लेते हैं। अगर अब यहाँ पे आ जाती है सेकेंड टर्म है वो है रेपो रेट, जो बैंक रेट अभी फिलहाल जो है 4.25% है अभी जो करंट है, जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा उस समय चेंज हो जाएगा, तो हम लोग उसका ट्राई करेंगे कि आप लोगों के पास मैक्सिमम पहुंच सके, हम लोग एक अपडेट करवाते रहेंगे ताकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि अभी क्या है रेपो रेट, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। रेपो रेट भी सेम चीज़ है लेकिन ये होता है शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है, लेंडिंग मतलब होता है किसी को देना, आप लोन दे रहे हैं किसी को तो लेंडिंग बोला जाता है इसी चीज़ को। तो जो शॉर्ट टर्म किसके लिए किसी को लोन दे रहे हैं कॉमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं वो हो जाता है रेपो रेट, और यहाँ पे हमने बात किया है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी जो है रेपो रेट आ जाता है 4% है और जो बैंक रेट है 4.25% है। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैंक है RBI उसे कभी कभी खुद शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है, तो वो सर्टेन टाइम्स में जो है रिवर्स रेपो रेट जो बोला जाता है वो कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जिन्हें यहाँ हमने डिफिनेशन दिया है लेंडिंग बाय द कॉमर्शियल बैंक्स टू द सेंट्रल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक है वो लोन देता है सेंट्रल बैंक को, जो लेकिन ये जो होता है वो सर्टेन बाकी सब जो है परसेंटेज से इसका परसेंटेज कम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये RBI के द्वारा। तो ये जो प्रेजेंटली है 3.35 है, रिवर्स रेपो रेट की बात की जा रही है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे दो कंसेप्ट होता है। रेपो रेट में सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन्स दे रहा है, रिवर्स रेपो रेट में सेंट्रल बैंक ले रहा है कॉमर्शियल बैंक से। बैंक रेट में भी है कि सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक को दे रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट कुछ डिपॉजिट कर रहा है तो फिर उन्हें दे रहा है, ये चीज़ बात हो जाती है। चौथा बात हो जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये हो जा रहा है 5.25।
इट इज गिवेन ओवरनाइट बाय द आरबीआई इन सर्टेन इमरजेंसी टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सिंस इट इज गिवेन ओवरनाइट सो इट्स रेट इज सर्टेन हायर देन रेपो रेट. इसके बारे में हम समझते हैं हिंदी अच्छे से. बारे में मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बात की जाती है. हम लोग जब पीछे बात कर रहे थे रिवर्स रेपो रेट के पहले की लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वहाँ पे हमने मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बात की. यहाँ पे हम उसके अच्छे से समझते हैं मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये भी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बैंक आरबीआई सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दी जाती है. लेकिन ये अचानक दी जाती है कि अगर अचानक डिमांड होता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है, अगर किसी कभी आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक है उन्हें शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है किसी वजह से उनके पास जो है शॉर्ट हो जाता है फंड, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो प्राइवेट बैंक से अपना जो है प्राइवेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं और ये तुरंत लेते हैं. तो ये ओवरनाइट प्रोवाइड कराता है, मतलब तुरंत प्रोवाइड कराता है. तो ये हो जाता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी. और ये 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ये बैंक ने इंडिया में स्टार्ट किया था. इसके लिए जो है ये सर्टेन इसका हाइयर रहता है, ये सेम टू सेम है रेपो रेट के जैसा, क्योंकि ये भी इसमें भी दिया जा रहा है सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को. लेकिन ये सर्टेन हाइयर रहता है क्योंकि ओवरनाइट डिमांड हो रहा है. यहाँ भी बात हो जा रही है कि अगर किस तुरंत डिमांड की बढ़ जाती है तो इस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है. यहाँ बात होती है कि अगर तुरंत जो पहुँचाया जा रहा है इसकी वजह से इसकी बढ़ जा रही है. तो यहाँ 4.25 कर दिया गया है जो है इसका मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और जो रेपो रेट है 4% है, 2.5 का हाइयर है, सर्टेन हाइयर है. इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया. अब हम बात करते हैं कि ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के टाइम पे ये लोग कैसे काम करते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. इसके बारे में हम बात करते हैं जो ये है 1, 2 और 3, बैंक रेट, रेपो रेट एंड मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. ये तीनों जो रेट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉमर्शियल बैंक के द्वारा को दिए जाते हैं. जबकि रिवर्स रेपो रेट, जो कि रिवर्स पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे उल्टा होता है. यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक को लोन दिया जाता है, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. ये किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये किस तरह से गवर्नमेंट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कम या ज़्यादा करने में इफेक्टिव होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इफेक्टिव करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं. तो जैसे हम बात करते हैं अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन मतलब कि मनी का फ्लोटेशन, मनी का जो पैसा जो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आ गया है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पैसे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, उसे कंट्रोल करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे बैंक रेट में, यहाँ पर जो बैंक रेट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रहा है इसको बढ़ा देगा. इसको अगर 4.25 है इसको हम 5 कर देंगे, 5 कर देंगे. तो जो अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो जो कॉमर्शियल बैंक से वो लेना कम चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, और लेना कम चाहेगा तो सब सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक लेगा कम तो उसे क्रेडिट क्रिएशन यानी कि लोगों को देगा कम. अब देगा कम तो मार्केट में जो है मनी का सर्कुलेशन कम हो गया, पैसे की कमी हो गई, इसके वजह से इन्फ्लेशन, अब मनी का इन्फ्लेशन जो सर्कुलेशन कम हो गया मनी अपने आप वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी यानी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी. जो अब यहाँ पे डिफ्लेशन की बात हो जाती है, अगर डिफ्लेशन है मनी का जो है कमी है तो या क्या करेगा बैंक रेट जो है इसको कम कर दिया जाएगा, 3% कर दिया जाएगा. 3% कर देंगे तो चूंकि अब लोन दे रहा है हम कम परसेंट पे दे रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो वो क्या करेंगे उससे लोन से वो अपने पास रखेंगे नहीं बल्कि उसका वो यूज करते हैं, पब्लिक को देते हैं, शेयर होल्डर्स को देते हैं, कंपनीज को देते हैं ताकि वो उससे बिजनेस कर सकें अपना यूज सामान का ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके. तो जो अब जब यहाँ पे बैंक रेट जो कम हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक जो हैं इन चीज़ों को ज़्यादा लेंगे तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, पैसों की वैल्यू बढ़ेगी. तो ज़्यादा क्या होगा इससे क्या हो जाएगा इकोनॉमी में पैसों की संख्या बढ़ेगी, पैसों की मात्रा बढ़ेगी, इससे यह हो जाएगा कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा. डिफ्लेशन तभी आता है जब वहाँ पर पैसों की कमी होती है, जो अब मार्केट में चूंकि पैसे जा रहे हैं तो ये इसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी. अब इसी टाइप का ये तीनों कॉन्सेप्ट है, बैंक रेट, रेपो रेट
एंड मार्जिन स्टैंडर्ड्स ही फैसिलिटी रेट। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या है? रिवर्स रेपो रेट तो इसका अपोजिट होता है। हम यहाँ पे जान रहे हैं कि जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने जो है जरूरत के लिए कॉमर्शियल्स बैंक से उधार लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइए चलिए बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। यहाँ 3.35 है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति है, पैसों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे पैसों को हमें कम करना है तो क्या करेंगे कॉमर्शियल बैंक उन चीज़ों को क्या करते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगा आकर के कि इसको बढ़ा देगा, 3.35 से इसको बढ़ा कर देगा मान लीजिए 5%। अब चूंकि कॉमर्शियल्स बैंक को अब पैसे देने में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके पहले जो 3% मिलते थे अब 5% मिल रहे हैं उनको, तो वो क्या करेंगे कि वो पब्लिक को अपना पैसा ना दे करके वो जो है लोग आरबीआई को दे देंगे लोन्स के लिए। तो अब जो कि आरबीआई को लोन के लिए दे देंगे तो अब जो पब्लिक को देते हैं तो वो मार्केट में फैलता है। अब ये आरबीआई के पास आ गया, आरबीआई उन्हें जो दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है, इसकी वजह से मार्केट में मनी की शॉर्टेज हो जाएगी और शॉर्टेज हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेकेंड चीज़ बात करते हैं कि अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तो क्या होगा। डिफ्लेशन हो तो जस्ट उसका उल्टा होगा, जो ये है जो 3.35 है इसको 2.25 कर देगा या फिर कुछ कम कर देगा। इससे क्या होगा, अब तो कॉमर्शियल बैंक को पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको जो है पैसा देता ही नहीं है, बहुत कम दे रहा है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दें कर्ज, वो देगा पब्लिक को कर्ज, पब्लिक को कर्ज देगा, पब्लिक क्या करेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा चीज़ें खरीदेगा ताकि उनसे ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मनी वैसा आ सके, इंडस्ट्रीज़ में देगा ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, और इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में बूम होगा और जो डिफ्लेशन होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि मनी आ जा रहा है मार्केट में, पैसा आ जा रहा है लोगों के बारे में। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ की सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग बहुत इसका शॉर्ट रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा रखे नहीं है, क्योंकि हम लोग ये इंट्रोडक्शन था आरबीआई के बारे में, लेकिन इसके बारे में हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लाए और 6 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट पूछे गए हैं आरबीआई से पिछले पीजीटी में, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए 17 में जो हम जैसे सी पीजीटी आया था उसमें जो था यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, यहाँ पे पूछ दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर। हम लोग ने पिछले वहाँ पे बात किया कि मैक्सिमम हम वहाँ पे चलते हैं कि हम कहाँ पे बात किए थे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ दी यहाँ क्या आती है, देख लीजिए मैक्सिमम लिमिट 40% की आती है। यहाँ पे हमने पहले ही बात किया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट 40% की यहाँ पे आती है, मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात की जा रही है। हम यहाँ पे आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस में। देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर, यहाँ पे आ जाती है 40%। अभी भी मैक्सिमम लिमिट 40% ही है, लेकिन मिनिमम लिमिट को अब खत्म कर दिया गया है। मिनिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट को अब ख़त्म कर दिया गया है, अब नहीं है ये मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट अभी भी है। हाँ ये सही था, एसएलआर के बाद में बात करते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गए थे, हम वापस चलते हैं कि एसएलआर के बाद में बात करें, लेकिन सीआरआर क्या था, सीआरआर भी था जिसको मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट था पहले, जो कि अब ये दोनों ख़त्म कर लिया गया है। ये जो था पहले था 3 से 20% के बीच था, अब ये चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये नहीं है मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है अब, इसलिए 4% अभी प्रेजेंटली है। इसके बारे में बात कर लिए। सेकेंड था क्वेश्चंस की विच बैंक इज द इंडिया परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक, कौन सा बैंक है जो कि अपना ड्यूटी निभाता है सेंट्रल बैंक के रूप में निभाता है, हिंदी में यही इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप चारों ऑप्शंस में देख के आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है, आप लोग देखिए क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिख नहीं रहा है आपका, नहीं पा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चौथा नंबर पे है जो है यहाँ पे।
तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये इंडिया का जो बात हो रहा है, सेंट्रल बैंक विच इज़ इंडिया के बारे में बात हो रहा है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोग यहाँ पे बात किए थे, चार पांच बैंकों की बात हमने शुरू में ही की थी कि क्या कौन कौन से सेंट्रल बैंक है। जैसे अमेरिका के हमने बात किया था, फेडरल रिजर्व वहाँ के बैंक को बोला जाता है। चाइना को जो बैंकिंग सिस्टम है उसके सेंट्रल बैंक को बोला जाता है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। जो इंग्लैंड में है उसे बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड जो पाकिस्तान में उसे बोलता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, वो कमर्शियल बैंक है, बल्कि सेंट्रल बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ RBI? ये डायरेक्ट लिखा था फेब 2018 में कौन है, उस समय डायरेक्ट पूछा गया था यहाँ पे कि फेब 2018 में करंट RBI के गवर्नर कौन है। तो उस समय जो थे, ये थे RBI के गवर्नर फेब 2018 में थे उर्जित पटेल थे, उनसे पहले थे रघुराम राजन, और अभी जो इसमें कॉन्सेप्ट चार पांच दिया गया है जो कि प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे उससे कुछ दिन पहले, और उन्नति भट्टाचार्य कुछ दिन के लिए SBI की चेयरपर्सन रही थी। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को मिक्सअप करके जो है, ये आपस में मिक्सअप करके हम लोगों को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो हम लोग क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम चाहेंगे कि सही हो हम लोगों का MCQs फोकस्ड रहेगा कि MCQs से हम किस तरह मैक्सिमम अपना मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ताकि अब चूंकि बहुत ज़्यादा सीट्स तो नहीं है, नहीं आप लोग अच्छे तरह से जान रहे हैं 167 सीट्स हैं, उसी में आप लोग को फाइट करना है और सबको अपना एक सीट्स मुकर्रर करना है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, तो उर्जित पटेल थे 2018 में, अभी कौन है, अभी हैं शक्तिकांत दास। ये कब आए थे, तो हमने बात किया था 11/12/18, यानी 11 दिसंबर 2018 को उन्होंने ज्वाइन किया था RBI के ग्रुप में। अभी उनका 4 साल हो जाएगा 2012 के दिसंबर में, तो इसके बारे में बात करेंगे। हो सके आप जब तक एग्जाम हो तब तक कोई और चेंज हो जाए, तो चूंकि वहाँ पर लिख दिया रहेगा जिस तरह से फेब 2018 की बात हो जा रही है उस समय भी चेंज कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ द सेंट्रल बैंक रेफर्स टू, क्या क्या है इसमें? बोरिंग बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, लेंडिंग बाय पब्लिक बैंक्स टू प्राइवेट बैंक्स, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्रीज। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ बोरिंग सेंट्रल बैंक्स टू कमर्शियल बैंक्स, इसका हिंदी में बात करें कि सेंट्रल बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स को, या कमर्शियल बैंक को बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक को, जो दे रहा है अपना ये लोन, क्या उसको बोलेंगे, या फिर जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक बैंक्स यानी जो भी गवर्नमेंट की बैंक है वो प्राइवेट बैंक से अगर लोन ले रहा है तो क्या उसको बोलेंगे, या फिर थर्ड आता है लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से जो है अगर हम पैसा ले रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं कमर्शियल, क्या उसको बोलेंगे, नहीं होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड वन, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। परचेज एंड सेल कर रहे हैं हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे जो बात होती है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमने यहाँ सीधी सीधी बात की थी, आप पीछे चलते हैं दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे बात की थी हमने क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहाँ पर सीधे सीधे हम लोगों ने बात की थी ओपन मार्केट ऑपरेशंस सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्यों की थी इसके बारे में बात करते हैं, कैसे इन्फ्लेशन रिफ्लेशन जो हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये हम लोगों ने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन 1969? हमने उस समय इसीलिए इस बात पे भी विशेष फोकस किया था कि उस समय कितने बैंक फोकस नेशनलाइज्ड हुए थे, फर्स्ट फेज में कितने नेशनलाइज्ड हुए थे, सेकेंड फेज में कितने नेशनलाइज्ड हुए थे, क्योंकि ऐसे डीप क्वेश्चंस भी जा सकते हैं कि कितने सेकेंड्स में 6 हुए थे, फर्स्ट में आप लोगों को बताना है कि कितने हुए थे। हमने पहले बताया हुआ है, आप लोगों का भी कुछ टाइम मिलता है, प्रीवी प्रोसेस के बारे में हमने इसलिए बताया था ताकि वो इकोनॉमिक में हम आगे जो है पढ़ेंगे ही, तो अभी हम इस चीज़ के बारे में जो 1969 का मास्टर स्ट्रोक था इंदिरा गांधी का, उसके बारे में हम अच्छे से जान रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान दे दिया होगा, ये जो है सी आंसर है कि उस समय 14 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया था ताकि पब्लिक के पास मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम पहुंच हो पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स की, और लोग मैक्सिमम अपना जो अमाउंट है वो बैंक्स में आए, बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन करें, लोगों तक अमाउंट पहुंचे। छठा है, द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक्स लेड मनी टू RBI इज कॉल्ड। तो इसके बारे में बात हो रहा है कि वो कौन सा जो है कमर्शियल बैंक जो है
वो आरबीआई को जो है लोन दे रहा है वो उसको क्या बोला जाता है? कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक हिंदी में बात करेंगे, जो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो लोन दे रहा है उसको क्या बोला जाता है? वो उस किस रेट पर देता है, उस रेट को क्या बोला जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो कॉमर्शियल बैंक जो लोन देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो देता है रिवर्स रेपो रेट को, जो कि सबसे कम होता है। कभी कभी ये हायरार्की में दे देता है कि सबसे कम कौन होता है, तो सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट सबसे कम होता है, फिर आ जाता है आपका ये रेपो रेट आ जाता है, फिर आ जाता है आपका इधर आता है बैंक रेट आता है, और फिर उससे कम आ जाता है SLR। SLR बहुत ज़्यादा ही जनरल रहता है क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, लिक्विडिटी, सिक्योरिटीज़ में गोल्ड भी आ जाते हैं, सिक्योरिटीज़ में कैश भी आ जाते हैं, ये सारे चीज़ हायरार्की में इस चीज़ का आ जाता है कि सबसे कम ये होता है। तो ये जो है द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी टू RBI इज कॉल्ड क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट पे वो कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देते हैं। ये चार पांच क्वेश्चन जो थे झारखंड PGT में पूछे गए थे। अगला जो है, हम लोग जो चार क्वेश्चन लाए हैं वो है दिल्ली के यूनिवर्सिटी, दिल्ली बोर्ड का जो है उसके में अपने में उन्होंने पूछा है चार क्वेश्चंस को, इसमें RBI से रिलेटेड दिल्ली में जो PGT होता है उसमें जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें से उठाया हमने। यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, किस डेट को ये हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था। यहाँ पे चार हमारे पास ऑप्शन है, ए 13 सितंबर 1949, बी 11 दिसंबर 1936, सी 1 अप्रैल 1935 या डी 12 जुलाई 1982। आपके बारे में, आपके पास अभी टाइम है, 10 सेकंड हम लोग टाइम देते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये डेट के साथ पूछता है, क्योंकि RBI एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, बैंकिंग सिस्टम रिफॉर्म्स आया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, सी है इसका उम्मीद जो है आंसर, कि 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI ने अपना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था RBI। जो ये हम अगर ये देखते हैं 12 जुलाई 1982 की बात करते हैं, इस दिन नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाबार्ड के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे, झारखंड के बारे में अगर PGT पढ़ रहे हैं तो रूरल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, तो नाबार्ड ने किस तरह से लोगों के एरिया में या JSLPS किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रही है इकोनॉमिक कंडीशंस को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने पहले ही बात किया था कि हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया वेन RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड। हम यहाँ पर बात किए थे कि उस समय कौन से जो थे RBI वायसराय इंडिया के, ये क्वेश्चंस आया हुआ है क्योंकि 1935 की बात की जा रही है, तो वो आज़ादी से जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, तो दो तीन उम्मीद करता है ये एग्जामिनर कि आप दो तीन जो है वायसराय के नाम याद रखें। क्या है कि ये जो है बहुत इफेक्टिव कदम था इंडिया के जो है इकोनॉमिक को अपलिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो आया था आप लोगों ने, हम पहले भी बात कर चुके थे, आप लोग उम्मीद कि देखिए इसमें कौन होंगे, तो लॉर्ड विलिंगटन जो थे 1931 से 36 के बीच में ये वायसराय रहे थे, इन्हीं के इरा के दौरान इंडिया में RBI का गठन हुआ, RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड कब किया गया था, जो यहाँ पे बात की जाती है नेशनलाइज्ड कब किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो आप लोग को 5 सेकेंड टाइम दिया जाता है, देखिए आपको 49, 55, 69 या फिर 80, ये पांचों टर्म जो हैं रिलेटेड टर्म्स हैं जो अभी हम यहाँ पर बोले गए हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान से देख के समझिए कौन है। नेशनलाइज्ड किया गया था 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ये RBI नेशनलाइज्ड। उन्नीस सौ पचपन में इम्पीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया था SBI के रूप में, SBI बना दिया गया था, किसको, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को, इम्पीरियल बैंक इसको चेंज कर दिया गया था RBI के रूप में। 1969 में क्या किया था, 14 जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड हुए थे, ठीक है। फर्स्ट
जो फेज है नेशनलाइजेशन का 1969 में हुआ था, और इसमें 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। सेकंड जो है 1980 में, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था 6 बैंकों को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज इसके बारे में हम लोग यहाँ से अच्छे तरह से जान गए कि इस 1980 जो चारों कॉन्सेप्ट हैं, चारों से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, विच कमीशन रिकमेंडेशंस लेड द फाउंडेशंस ऑफ RBI। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी बात किए हैं शुरू में ही, जो हम लोग बात किए हैं कि कौन सा कमीशन्स है जो कि रिकमेंडेशंस किया था फाउंडेशन ऑफ द RBI। हर कोई जो है एक बड़ा जो स्टेप होता है इकोनॉमी में, किसी न किसी एक कमेटी बनाई जाती है जो रिकमेंड करता है, उसके अनुसार उसका इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो है RBI जो रिकमेंड RBI के लिए रिकमेंड किसने किया था, हमने यहाँ पे बात किया है। आइए हम आपको शुरू में दिखा देते हैं कि हम लोगों ने इसके लिए बात किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो इससे पहले हम बात करते हैं कौन कमीशन रिकमेंड किया था। यहाँ पे बात देखिए, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है एक ये जो था इसका रिकमेंडेशन था, हिल्टन यंग का रिकमेंडेशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। चलिए तो हम लोग वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं कि क्या है। यहाँ पे हिल्टन यंग जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था, हिल्टन यंग थर्ड जो है ऑप्शन यहाँ पे आता है। हिल्टन यंग कमीशन जिन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया था RBI के फाउंडेशन के लिए। अगला हम लोग डी ऑप्शन दे दिया गया, शिव रमन कमीशन ने किसी चीज़ का रिकमेंडेशन किया था, किस चीज़ के लिए किया था, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था नाबार्ड का रिकमेंडेशंस किया था शिव रमन कमीशन ने, और इसके इनकी रिकमेंडेशन की वजह से 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए ये सब चीज़ों बातों से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ सीखा है। एक चीज़ हम जो बात करते हैं RBI के बारे में बात कर रहे हैं, तो RBI का झारखंड में परस्पेक्टिव में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में कब इस्टेब्लिश हुआ RBI झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ था 15 नवंबर 2007 को। RBI झारखंड में 15 नवंबर 2007 को हुआ था। 15 नवंबर को हुआ था क्योंकि उस दिन झारखंड का स्थापना दिवस है, आप लोग सभी लोगों को पता होगा 15 नवंबर 2007 में ये झारखंड में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन एज ए सब ऑफिस के रूप में झारखंड में एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। फिर इसे 2012 में इसे रीजनल ऑफिस बनाया गया। ठीक है, फिलहाल हम RBI के बारे में, झारखंड के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, तारीख का पूछ सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तो है कि उसके बारे में चेंज किया गया कब हमने, तो हम RBI के बारे में इतना जाने आज, और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग और बेहतर से पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में याद करेंगे। हम से जो मैं हूँ सुयश प्रभाकर, इकोनॉमिक्स के लिए फैकल्टी, और हम और एक विशाल अग्रवाल के साथ हम लोग आप लोगों की पढ़ाई करवाएंगे। एक विशाल अग्रवाल सर हैं, दोनों मिलकर हम लोग आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों स्लाइड मुहैया करवाएंगे। आज जो था हम लोगों को कुछ वजह के चलते इसमें जल्दी आज हम लोगों को क्लास लेना था, एक यूट्यूब में हम लोग चाहते थे कि अपडेट हो सके, आप लोगों के बारे में बताया जा सके। हम लोग पहले से सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि बताया जाए कि किस तरह MCQ सॉल्व होते हैं और कैसे MCQs आए हुए हैं, हर टॉपिक्स के बाद MCQs को कैसे सॉल्व करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है और हम लोगों को इसके बारे में यूज करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग हमें हमारे देखने आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, प्रयोजन क्लासेस के साथ जुड़िए, ताकि हम अपने PGT को जो है तैयारी को मुकर्रर कर सकें और अच्छे तरह से ज्वाइन कर सकें, क्योंकि ये PGT जो है ये करो या मरो है। उसके बाद हम अगर 3000 पोस्ट अगर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब पॉसिबल है लेकिन आपके लिए वो बोला जाए कि अब उसके लिए बहुत जो ग्रेड पे कम कर दिया गया है, तो आपके लिए ये करो या मरो का बात है। आपको ये काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है, वेल रिप्यूटेड जॉब है, तो इसके लिए आपको अपना जी जान लगाना होगा और उसे अचीव करना होगा। हम लोग सारे हैं प्रयोजन क्लासेस में, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं, हम लोग यहाँ पे सारे लोग मैक्सिमम अपना एफर्ट्स दे रहे हैं ताकि यूज कर सकें, और अगले स्लाइड्स में हम लोग चाहेंगे कि इसमें हिंदी में भी हम पूरी तरह से लाएं, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे से समझ सकें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, अगले क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।